इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल का सेंटर है ओ। पी क्यू आर तीन पॉइंट्स हैं सर्कल पर। हमें यह भी दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है और हमें एंगल ओ पी आर फाइंड आउट करना है। देखिए एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल, ये 100 डिग्री है और यह हमें पता करना है। सबसे पहले देखिए ये जो एंगल 100 डिग्री है ये कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? आर्क पी आर। ये एक मेजर आर्क है तो मेजर आर्क पी आर सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है 100 डिग्री। यही मेजर आर्क पी आर सेंटर पे भी एंगल सबटेंड कर रही है। आप देखते हैं ये जो आर्क पी आर है इनके दो एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कीजिए तो आपको मिलता है ये एंगल। इस एंगल को हम एंगल पी ओ आर नहीं बोल सकते हैं, ये है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ये 180 डिग्री से बड़ा है। एंगल पी ओ आर बोलेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा। एंगल पी ओ आर छोटा एंगल है तो ये मेजर आर्क पी आर एंगल सबटेंड करती है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। देखिए हमें ये पता है थ्योरम से कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये देखिए अगर हम इसकी बात करें एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इसी आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो डबल एंगल सबटेंड करेगी। वो एंगल डबल होगा उस एंगल का जो यही आर्क सेंटर पे सबटेंड करती है। कहने का मतलब ये एंगल इस 100 डिग्री का डबल होना चाहिए। तो अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है वो 200 होना चाहिए। देखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर 200। इस तरह से ये एंगल 200 हो गया। आप इनको देखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर और एंगल पी ओ आर, अगर ये 200 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 160 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम तो 360 डिग्री होने को चाहिए। पूरा सर्कल बनाते हैं, ये 200 है तो ये 160 होगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि एंगल पी ओ आर है 160 डिग्री। हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंगल पी ओ आर इज एंगल 160 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर हम कह सकते हैं कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इनकी दो साइड्स, साइड पी ओ और ओ आर, दोनों इक्वल है। दोनों ही इस सर्कल की रेडियस है तो ये दो रेडियाई इक्वल हो गए, ओ पी एंड ओ आर। तो ये अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो इस दोनों इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हुए एंगल ओ पी आर एंड एंगल ओ आर पी। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए अगर हम इनको एक्स ले लेते हैं, एक्स ज़ूम कर लेते हैं, सपोज करो ये एक्स है। ये एंगल तो हमें पता ही है 160 डिग्री है। ये भी x हमने एज्यूम किया और ये भी x होगा। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स के जो इक्वल एंगल्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। इस तरह से अब इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल पी ओ आर में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमें मिलता है x प्लस एक्स प्लस 160 डिग्री इज 180 डिग्री। देखिए x प्लस 160 डिग्री इज 180 डिग्री। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है हमें x इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 10, इसका मतलब एंगल ओ पी आर जो कि इक्वल टू x है वो है 10 डिग्री।